गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि मैं आपको कई बार बताता हूँ, आज मैं स्पेशली आया हुआ हूँ नाहन हिमाचल में, और यहाँ पर एक 6 मेडिकल कॉलेज में से एक है, डॉक्टर जसवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और जो भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, आप ये मान के चलिए यही पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज है। तो जो मैं अपने चैनल में अपने व्यूअर्स को पहले से बताता ही हूँ कि बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है ये, जब ये स्टार्ट हुए 5 साल हो गए हैं, और पहले ये छोटा सा जोनल हॉस्पिटल हुआ करता था, मुझे लोकल लोगों ने बताया। और अभी ये बिल्डिंग बन रही है। नाहन इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, कोई शक की बात नहीं है इसमें। छोटा सा शहर है, जब आप दिल्ली से आते हैं, कैसे समझाऊँ आपको, एक काला आम इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके पास पड़ता है, और यमुनानगर की तरफ, मतलब बड़ा फेमस गुरुद्वारा है पांवटा साहिब। तो अम्बाला से आप राइट लेते हैं अबाउट 17 किलोमीटर, तो हिमाचल जैसे स्टार्ट होता है, फिर एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नाहन एक छोटा सा हिल स्टेशन है। वेरी फ्रेंकली जब मैं वॉक कर रहा था तो ऐसा लगा कि 15 मिनट की वॉक में मैंने पूरा शहर ख़त्म कर दिया। फ़िलहाल जो बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं वो 3 किलोमीटर दूर हैं, इन्होंने एक प्राइवेट बिल्डिंग ले रखी है, और वहीं पर फ्लैट्स हैं डॉक्टर्स के और प्रोफेसर्स के, और बच्चे वहीं आते हैं। कुछ बच्चे आसपास पीजी में भी लेके रहते हैं, मुझे लोकल लोगों ने बताया। और आप देखेंगे तो ये नई बिल्डिंग है, ये बन रही है, तो ये जो नई बिल्डिंग है ये अभी बन रही है, और फिर इसमें शिफ्ट हो जाएंगे सारे लेक्चर हॉल्स एंड टीचिंग हॉल्स। और तब तक ये जो पीछे आपने देखा, मतलब वेरी फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, जो इनका इमरजेंसी सेक्शन है ना, वो एक दिल्ली का छोटा सा जो क्लिनिक होता है उससे भी छोटा था। तो उससे आप आइडिया लगा लीजिए, जो मैं आप लोग अपने व्यूअर्स को हमेशा बताता हूँ कि इट्स अ कॉलेज टू गेट योर MBBS डिग्री एट अ गवर्नमेंट फीस, बट उसके अलावा नॉलेज, एक्सपोजर और जो बाकी सब चीज़ें हैं वो काफ़ी क्वेश्चनेबल हैं। और शहर ही बहुत छोटा है, तो मुझे पता ही नहीं कितने, देखिए जैसे सुबह का टाइम है 8:30 का पीक टाइम है, कुछ कुछ जो आप देख रहे हैं बच्चे ही आ रहे हैं शायद इसी मेडिकल कॉलेज के, जो सामने से चल के आ रहे हैं, शायद इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुझे ऐसे गार्ड भाई साहब ने बताया जो वहाँ खड़े हैं। और इसके अलावा बस, तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि छोटा सा कॉलेज है फ़िलहाल, और इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग, बट आई थिंक जो टोटल पेशेंट वगैरह यहाँ पर आते हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड हैं। हिमाचल इज़ एनी वे वेरी हेल्दी स्टेट, लोग वैसे बीमार बहुत कम पड़ते हैं, तो वो जो भी क्लिनिकल एक्सपोजर है उसको लेके शक है। देखिए आसपास ये दवाइयों की दुकानें हैं, जो कि अगर आप एम्स के बाहर जाएंगे दिल्ली में, तो यू कैन इमेजिन की जितनी सेल वहाँ पर एक दुकानदार एक घंटे में करता है, शायद ये सब लोग मिलाकर भी नहीं करते पूरे दिन में। तो बस ये सबसे बड़ा फ़र्क है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक आपकी MBBS जर्नी के लिए। धन्यवाद।